पानीपत के थाना चांदनी बाग के उग्रा खेड़ी गांव में बीते रोज राजेश नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अब हाल ही में मामले को लेकर परिजनों ने उग्रा खेड़ी निवासी अमन और उसकी पत्नी पर युवक को जहर देकर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने बताया कि मृतक राजेश अमन से पैसे लेने आया था। पैसे देने के बजाय अमन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राजेश को जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद राजेश की मौत हो गई। कल दोपहर में उरलाना का राजेश कुमार के जहर खाने की मैक्स हॉस्पिटल से सूचना आई थी। जिस पर मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे तो इसकी डेथ हो चुकी थी, तो वहां से इसको लेके यहां आए। इनके परिवार वाले आ रहे थे मैक्स हॉस्पिटल में, उन्होंने कंप्लेंट दिया कि ये सुबह पैसे लेने के लिए आया था यहां उग्राखेड़ी गाँव में अमन डेयरी के वालों के साथ। इसका कोई भैंसों का और गाय का कोई लेन देन था, ये व्यापार कराया करता, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट दिया, उसमें FIR लॉन्च कर दिया 302 की, और उसमें तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम करवा के इनके घर वालों को, उनके पास जिनसे पैसे लेने थे उन्होंने उग्राखेड़ी से, अमन नाम जो बताया, अमन डायरी के नाम से उनका काम है, तो उससे पैसे लेने थे। उनको शाम को फ़ोन किया कि भाई कल सुबह आ जाना, कल हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो सुबह सुबह घर से आए हैं, तो घर से आने के बाद वो वहाँ पहुँचे उनके घर, तो उसके बाद उनका एक दोस्त था बागखेड़ा गाँव का है, उन्होंने उसके पास कॉल किया राजेश के पास कि भाई पैसे मिल गए। तो उसने उनको बताया कि भाई मेरे को यहाँ पे चाय में कुछ मिला के दे दिया गया है और मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। तो मैं जैसे गांव में था, तो मेरे पास वो लड़का आया जिसको उस बागखेड़े वाले का एक रिश्तेदार मेरे गांव में रहता था, उसने उसको फ़ोन किया कि भाई उनके घर में इन्फॉर्म कर दो कि भाई उसको ऐसे चाय में मिला के कुछ दे दिया है। तो फिर मैंने उसके लड़के के फ़ोन से फ़ोन भी किया राजेश के पास, तो उसने ये बताया कि मेरे पास जल्दी आ जाओ, मेरी हालत ख़राब है। वो खांस रहा था और ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, गला जैसे उसका हो गया था। तो हम वहाँ से गाँव से जब हम चले, तो उन्होंने पहले हम चले तो हमने उनसे उनका नंबर लिया, अमन का भी, उससे पूछा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे भाई आया हुआ था, भाई उसकी कैसी तबीयत है। तो उसने बताया कि गर्मी की वजह से थोड़ा वो है, भाई वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हम दोबारा फ़ोन किया उसको, तो उसने कहा कि भाई उस वो तो किसी लेडीज़ ने बात करी, उसने बताया कि भाई उसकी तरह वो हमारे घर के आगे पड़ा मिला है और इसने तो कुछ खा रखा है। तो हम उनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कौन से हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पर भी गुमराह करते रहे कि भाई अभी वो रविंद्रा में है, हम यहाँ पे पहले जेट रोड पे बुला लिया कि वहाँ पे आ जाओ, उग्राखेड़ी के पास हॉस्पिटल है, फिर बोले कि रविंद्रा में है। जब रविंद्रा में पूछा, दोबारा कॉल किया, कह रहा है कि नहीं अभी ABC में है एक हॉस्पिटल करके, वहाँ पे पैसे उन्होंने लेने थे, वहाँ पे भैंसों के पैसे लेने थे जी, भैंस दे रखी थी उसको। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब डॉक्टर से जानकारी ली तो राजेश की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वही मृतक राजेश के भाई विजेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने अमन और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।